ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से, कोशिश होती है लगातार इस चैनल के जरिए हमेशा लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट अपडेट स्टडी वीजा से रिलेटेड और खासकर कनाडा से लेके आपको देते रहे। सो बहुत सारे बच्चे रिजल्ट्स का जो स्पीड है, जो सिनारियो है, उसे लेके कन्फ्यूज हैं और मोस्टली उनकी कन्फ्यूजन डेफरमेंट करें, ऑनलाइन करें, इंतज़ार करें, क्या करें, किन बच्चों को वेट करना पड़ सकता है, किन के रिजल्ट लेट हो सकते हैं, ये सारी कन्फ्यूजन्स को आज मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा अपने एक्सपीरियंस्ड और प्रेजेंट जो वीज़ा ट्रेंड्स हैं उनके बेसिस के ऊपर कुछ हद तक आपको एडवाइस करने की। सो जो प्रेजेंट ट्रेंड्स हम देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं वो SDS कैटेगरी के होते हैं, क्योंकि जब हम फाइल अपलोड करते हैं, जब बच्चे की फाइल बनाई जाती है सिस्टम के ऊपर, तो वहाँ पर स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन होता है कि आपका प्रोफाइल 6 ईच है या बिलो है या डिफरेंट है, अब बिलो है। तो अगर आप 6 ईच सेलेक्ट किए तो फाइनली आपकी फाइल ऑलमोस्ट लाइक ट्रीटेड लाइक SDS, वो PTE भी हो सकता है, वो TOEFL भी हो सकता है, वो IELTS भी हो सकता है। IELTS 6 ईच वहाँ पर पर्टिकुलरली नहीं पूछा जाता। Now, इसके बाद जो प्रेजेंट ट्रेंड दिख रहा है वो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि वो 6 ईच वाले केसेस को ज़्यादा प्रोसेस कर रहे हैं। रीज़न वाई, रीज़न है कि उनको लगता है कि अगर हमें शॉर्ट टर्म में सितंबर में ज़्यादा रिजल्ट देने हैं तो अगर हम SDS केसेस पे ऊपर काम करेंगे या 6 ईच वाले केसेस के ऊपर काम करेंगे तो वहाँ से सक्सेस रेट भी ज़्यादा डिलीवर कर सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपना रिजल्ट्स ले सकेंगे। नॉन SDS को कंपैरेटिवली वो अभी कम कर रहे हैं। सो आने वाले दिनों में जो नॉन SDS के रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमें SDS के कंपैरेटिवली डिलेड दिख सकते हैं, वो लेट हो सकते हैं बच्चे, ये फर्स्ट चीज़ आप नोट कर लें। सेकेंड, वो स्टूडेंट्स लेट हो सकते हैं क्यूबेक वाले, डेफिनेटली उनके रिजल्ट्स आने लास्ट वीक शुरू हो गए, बहुत अच्छी खबर है, बहुत सुकून वाली खबर है। कनाडा कॉलेज, माइलस्टोन कॉलेज, CDI कॉलेज, सभी कॉलेजेस को रिजल्ट्स मिले हैं, बट क्योंकि फाइल्स के नंबर बहुत ज़्यादा हैं और सबके रिजल्ट उतने ही लिमिटेड टाइम, मतलब सेप्टेम्बर तक आ सके, इसकी पॉसिबिलिटी कम है बिकॉज नंबर्स ज़्यादा हैं। IRCC ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि हम सितंबर तक का रिजल्ट जो है सब बच्चों को फॉल इनटेक का नहीं दे सकेंगे। सो इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि जिनके रिजल्ट्स लेट होंगे सबसे ज़्यादा बच्चे, वो नॉन SDS कैटेगरी या वो मॉन्ट्रियल क्यूबेक के उन 10 कॉलेजेस के बच्चे हो सकते हैं, बिकॉज उन 10 कॉलेजेस वाले बच्चों से अलग से डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए थे। सो उसके कारण उनका जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो चुका है। सो लेकिन रिजल्ट्स बीच में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आ नहीं रहे, लेकिन कंपैरेटिवली जब हम बात करते हैं, जब बच्चे ये पूछते हैं सर केड़े ज़्यादा चल रहे हैं, केड़े घट चल रहे हैं, सो वेन वी ट्राई टू फिगर दैट आउट देयर वी कम टू नो दैट SDS इज इन very much high speed, the applications are getting processed, so most likely all the SDS applications would receive their result by end of September or somewhere in September. Non-SDS कहीं ना कहीं delay हो सकते हैं, थोड़े बहुत result आ रहे हैं आने वाले दिनों में, जैसे जैसे SDS के cases के result आते रहेंगे, वो cases कम होते रहेंगे, तो non-SDS की speed definitely बढ़ती रहेगी और Quebec की भी साथ साथ में बढ़ती रहेगी, but जो भी है उनका overall जो result मुझे लग रहा है कि शायद ही 20-30% स्टूडेंट एप्लीकेशंस को रिजल्ट जो है वो सितंबर तक अगर मिला भी तो हार्डली 50% को मिल सकेगा, रेस्ट अभी डिले हो सकता है। आगे भी इस चैनल के साथ लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे, ट्रेंड्स शेयर करेंगे, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, जहां से आप थोड़ा सा अपने फ्यूचर को लेके एक अच्छा रीजन या एक डिसीजन स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उसकी एडवाइस करते रहेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स, अ सिंपल 3 स्टेप्स। नंबर 1, यू नीड टू विजिट आवर वेबसाइट broadwaystudy.com। नंबर 2, यू नीड टू फिल अ फॉर्म, वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, यू हैव टू फिल योर नेम, नंबर एंड द कंट्री यू विश टू ट्रेवल। एंड नंबर 3, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर, यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सो एनी वेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर कंट्री। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।